Thank you. I invite candidate number 7, Kanhaiya Kumar, to ask the question. गौरव जी, इस चुनाव में जब आपके लोग उधर पीछे खड़े हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो लोग पीछे से कहते हैं वंदे व्यापम। आपको बुरा लगता होगा, खैर मेरा एक सवाल है आपसे। आप हिंदुइज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, नेशनलिज्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं। मुझे ये बताइए कि जब इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने बनाया, तो RSS ने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं मानेंगे क्योंकि एक अछूत ने बनाया है। आपने झंडे को जलाया, और RSS जो हिंदू धर्म की बात करता है, भारतीय संस्कृति की बात करता है, उसको एक भी भारतीय परिधान नहीं मिला अपना ड्रेस बनाने के लिए। हाफ पेंट ले आया हिटलर से। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका कौन सा नेशनलिज्म है कि आप 15 अगस्त के दिन वन रैंक वन पेंशन मांग रहे सैनिकों के ऊपर लाठी चार्ज करवाते हैं जंतर मंतर पे। ये जो आपका नेशनलिज्म है, कहीं अच्छे दिन की तरह एक धोखा तो नहीं है या चुनावी जुमला तो नहीं है? RSS जो आप कह रहे हैं कि उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट किया था, उसके लिए 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है, तब तक में सारे लोगों के सारे हर ग्रुप हर कम्युनिटी के ओपिनियन माने गए, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन और सेक्युलर मानते हुए देश को उसको रेस्पेक्ट करते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। नंबर टू, आपने बहुत सारे मुद्दे उठा देते हैं, आपको बात नंबर टू आपके बात क्या RSS के बारे में। RSS ही ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे कंट्री में रिजर्वेशन लाता है, जो सबसे पहली बार अगर किसी देश में कभी सोशल जस्टिस की बात होती है तो वो राजा मुंजे पैक में होती है 1932 में, ये सी राजा और मुंजे के बीच होती है। झंडा क्या है जलाए भाई, ये बताइए ना। झंडा ओआरओएफ के बारे में आप बोल रहे हैं, वो ओआरओएफ आज ही कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है, मैंने इम्प्लीमेंट हो चुका है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है ORoB, और आज सारे सैनिक ने उसको एक्सेप्ट किया कि वन ऑफ द बेस्ट डील दैट द गवर्नमेंट हैज गिवन देम। चलिए, आप भी जो है बहुत बड़े जुमलेबाज हैं साबित हो गया। अच्छा ये बताइए कि आज आपने एक पर्चा लिखा है, उसमें लिखा है आपने, मैं पढ़ देता हूँ, हमेशा राजनीतिक सिद्धांतों पर होगी, और हमारी राजनीति ये कहती है कि अगर हमको राइट विंग से लड़ना है तो हमको लेफ्ट और सेकुलर वोट को डिवाइड नहीं करना है, इसीलिए हम अकेले चुनाव मैदान में डट कर खड़े हैं। रही बात किसी के हमारे संगठन में होने की, तो ये उससे जरा पूछ लीजिए, सरकार बदली है उसके हिसाब से उनका मन बदल गया हो, आज आपके साथ हैं कल कहीं और चले जाएंगे। मैंने कभी नहीं कहा, AISF ने कभी नहीं कहा कि वो व्यक्ति AISF का पार्ट है, हमको हमेशा लगा कि ये व्यक्ति डाउटफुल है, ये NSY में ही खप सकता है, ये AISF जैसे संगठन में नहीं खप सकता है, यह बात बिल्कुल क्लियर थी। और रहा रास्ता रोरा बनने का और शहीद बनने का, तो आपको बता दूं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में इस देश में बना था, और तब से लेकर आज तक शहीदों की मशाल को जला रहा है, और आयशा भी जिस शहीद को लेकर गर्व करती है, चंदू भी आयशा की पॉलिटिक्स को करते थे, ये बात आपको बता देना चाहता हूँ। कैंडिडेट नो क्रॉस क्वेश्चन, आई इनवाइट गौरव कुमार जा टू आस्क द क्वेश्चन। आरोप लगाया कि ABVP यहाँ पे रिलीजन की पॉलिटिक्स करती है, पर आपको कुछ मैं याद दिलाना चाहूंगा, पिछले साल 26 जनवरी से 28 जनवरी 2014 को आपकी पेरेंट पार्टी CPI एक सेमिनार कंडक्ट करती है कन्नूर में, जिसका नाम होता है भारतीयम ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स कल्चर एंड फिलॉसफी, जहां पे वो आर्ग्यू करते हैं कि, कोट करता हूं उस सेमिनार से, बेसिक लिटरेचर फॉर्म्स अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट ऑफ लिटरेरी वेल्थ। धीरे धीरे बोलो भाई, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का स्लोगन लगाते हो, अंग्रेजी पर धीरे धीरे बोलो। बेसिक लिटरेचर आप अपने संगठन के बारे में सुन लीजिए, बातों को मत घुमाइए, आपके संगठन क्या बोलती है, धीरे धीरे बोलिए। बेसिक लिटरेचर फॉर्म्स अ वंडरफुल मॉन्यूमेंट ऑफ लिटरेरी वेल्थ हैंडेड ओवर टू अस बाय आवर एंसेस्टर्स, and that Hindu philosophy is perfectly compatible with communist thought and agenda. पर यहाँ पे इस JNU में आप join करते हैं अनेकों शरिया बोल्शेविक ग्रुप के साथ और मिशनरियों के साथ, और आप अब्यूज करते हैं हिंदुइज्म को और हिंदू फेस्टिवल्स को,
आप पर्चा लाते हैं दुर्गा पूजा को डिनाउंस करते हुए, दशहरा को डिनाउंस करते हुए, इन कम्युनल न्यू नाजिक ग्रुप्स के साथ मिलकर के, क्या आप इस अपनी डाइकोटोमी को एक्सप्लेन कर सकते हैं? गौरव जी, इस देश का यही दुर्भाग्य है कि आरएसएस के लोग बार बार संस्कृति और दर्शन की बात करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है दर्शन में दो तरह की धारा है। एक तरफ भाववादी धारा है जिसके समर्थक आप हैं, दूसरी तरफ भौतिकवादी धारा है जिसके समर्थक हम हैं। और हमें हमारी फिलॉसफी कहती है कि हिंदू धर्म जिसका पालन आप लोगों से करवाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल है, वो रिलीजियस नहीं है। आप जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो एक पॉलिटिकल स्लोगन है, लेकिन गांव जवार में जो लोग एक दूसरे को राम राम बोलते हैं वो एक कल्चरल सेंटेंस है। और राम राम में और जय श्री राम में सबको अपना समझना पड़ेगा। और जहां तक आप फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस देश की फिलॉसफी ने हमेशा से कम्युनल हेट्रेड को रिजेक्ट किया है। हमेशा से इस देश की फिलॉसफी ने गंगा जमुनी तहजीब की बात की है। इस देश की संस्कृति ने हमेशा से हिंदू और मुसलमानों की एकता की बात की है। ये वो आरएसएस है जो मैंने कहा था अपनी तकरीर में भी कि ये वो लोग हैं जो बार बार लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर मैं हिंदी फिलॉसफी को ही मानूं, अगर दो मिनट के लिए मान लूं, तो भगवान राम ने हमको बनाया, हम भगवान राम को कैसे बना सकते हैं? ये भगवान राम को बनाना चाहते हैं, ये भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डालना चाहते हैं, ये विधेयक भी है। प्लीज माइंड अप योर आंसर। वैसे ये अच्छी बात है कि केरला में सीपीआई एक तरफ हिंदू फिलॉसफी के गुणगा रहा और सीपीएम जन्माष्टमी मना रहा है। अगला प्रश्न, आप पिछले साल डीएसएफ के साथ ज्वाइन करते हैं, हाथ मिलाते हैं एक लेफ्ट यूनिटी के प्लेटफॉर्म के नाम पर, क्या हो गया इस साल जो आप इस यूनिटी को छोड़ देते हैं? क्या वो पिछले साल अपॉर्चुनिज्म था या इस साल कुछ और लोभ आ गया आपके मन में? गौरव जी, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूँ कि आप जिस उतावलेपन में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बने हैं आपकी हार निश्चित है। इसीलिए मैंने किसी पोस्ट पे कंटेस्ट नहीं किया, मैं इसी पोस्ट पे कंटेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस पोस्ट पे दो लेफ्ट कैंडिडेट के बीच में फाइट होगा, आपके राइट विंग के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। इसलिए आप रिलायंस को लगे आपके पेट में दर्द हो रहा है तो हेल्थ सेंटर में इलाज कराइए, हमारे हाथ का हल ना हो जाएगा। चिंता मत कीजिए, आपको हराने के लिए हम बार बार इलाज कराएंगे, यही हमारा पॉलिटिकल कमिटमेंट है। कन्हैया जी, सेंटर में तो जीरो पे आ ही गए हैं, जेएनयू में भी बस एक कैंडिडेट पे बच गए हैं। अब मुझ पे तो कमेंट मत ही करिए, हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और जेएनयू का भी सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और रहेंगे और जीतते रहेंगे। इस कैंपस को हम भगवा बना के रहेंगे कन्हैया जी, ये हमारे धन्यवाद। गौरव जी पर्सनली ले लिए थे। एक सवाल है कि आप अपने भाषण में लेफ्ट यूनिटी के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात करें और इस कैंपस में भी बहुत लंबा चौड़ा खेल खेला गया लेफ्ट यूनिटी को लेकर, लेकिन बिहार में लेफ्ट यूनिटी को लेकर आपके पेट में इतनी दर्द क्यों हो रही है? कॉमरेड, ये तो वही बात हो गई कि उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है। अरे भाई, हम आज से नहीं तो आप ही है कांग्रेस के पक्ष से कह रहे हैं कि इस देश में राइट विंग का उभार बढ़ रहा है। अगर उस राइट विंग के उभार को चैलेंज करना है तो अपने तमाम ब्रैकेटों को मिटाकर हम तमाम लेफ्ट पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है। और ये वो एमएल था जो सीपीआई को लेफ्ट पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं था, जैसे सीपीएम बहुत दिन तक सीपीआई को नहीं मानी थी, उसी तरीके से एमएल लिबरेशन बहुत दिन तक सीपीएम को नहीं मानी थी। और सीपीएम की एक चुनी हुई सरकार को हराने के लिए ममता बनर्जी तक से जाकर के गठबंधन कर लिया था, लेकिन लेफ्ट यूनिटी का जरूरत उसको नहीं हुआ था। हम हमेशा से लेफ्ट यूनिटी के पक्ष में खड़े रहे हैं और आज भी उस पक्ष में खड़े हैं। ये सवाल आपके ऊपर बनता है कि आप कहते हैं कि सीपीआई रणवीर सेना की पार्टी है, दीपांगर साहब को चिट्ठी भेजिए कि इस तरह की घटिया पार्टी से वो अलायंस कर रहे हैं।
हैं, आप निकलकर बाहर चले जाएंगे, जनता तय करेगी कि लेफ्ट यूनिटी का रूप रंग क्या होगा और उसमें कौन लोग शामिल होंगे। और हमको लगता है इस देश की शोषित जनता ने तय कर लिया है आरएसएस के खिलाफ एकजुट होने के लिए, इसलिए लेफ्ट यूनिटी को कोई भी संगठन अपनी संकीर्णता के आधार पर खत्म नहीं